तो दोस्तों पहले हम पट्टी करेंगे, एक दाग का कम से कम चौड़ाई और एक पात भी कर लेंगे थोड़ा चौड़ा करके। पट्टी जो मैंने किया वो 20 गज तार का किया, एक दाग का कम से कम चौड़ाई। उसके बाद मैंने जो फ्रेम देखी है, एक फ्रेम जो कैप्चर किया था पेन से, तो उसको साइज के लिए मैंने किया था और वो साइज का जो है कस्टमर को चाहिए था, तो साइज का भी बनाना है। और डिज़ाइन कौन सा डाइस का बनाऊंगा, हेड पीस कौन सा होगा, वो भी आप तो दिखाइए अभी कैसे होगा आप देख लीजिए। तो पहले देखिए, गोल नहीं किया तो भी चलता है, ए वो खिला, ऐसा हर खिला आपको मिल जाता है, गोल मिल जाता है, तेकोना स्टार से हार्ट से बहुत सारा शेप का खिला ऐसा आपको मार्केट में मिल जाता है। तो पहले ए शेप का बना लेंगे, एक दाग चौड़ा है उस पट्टी का। फिर इसको पांच स्टार पे जोड़ेंगे। मैं एक साथ तीन अंगूठी कर रहा था, तीनों को जो है पांच स्टार में रख दिया, अभी उसको ज्वाइन कर लेंगे। फिर ज्वाइन करने के बाद फटाफट उसको काट लेना है साइड से डिजाइन के हिसाब से। फिर देखिए, अभी डांडी चाहिए मुझे, तो मैंने डांडी जो है कागज़ के सैंपल किया पहले। डांडी मैंने ये आप जो डांडी है ये बाहर से भी छाप के मिलता है, लेकिन मैंने वो बाहर से छापा नहीं था, डाई किया नहीं था, तो मैंने ये देखिए एक अंदाज से पहले कागज़ में बना लिया। उसके बाद जो है कागज़ को आप गम से इसके ऊपर चिपक के काट सकते हैं, और नहीं तो आप पानी से भी थोड़ा ऐसे चिपक के रख सकते हैं, आप हाथ से पकड़ के भी ऐसे रख के साइड से काट सकते हैं, तब आपको जो अच्छा होगा वो आप कर सकते हैं। तो मैंने देखिए हाथ से पकड़ा, मैंने पानी दिया था लेकिन उसमें चिपका नहीं था, तो मैंने हाथ से उसको ठीक से पकड़ के काट लिया। ऐसा करके मैं हर एक डाइस को हर एक डंडी काट लूँगा। डंडी काटने के बाद उसको रिंग नोट पे हल्का बैंड देंगे, उसका हल्का राउंड करेंगे, हार्ड जो डंडी है सबको ऐसे हल्का राउंड कर देंगे। उसके बाद ये देखिए, ये मैंने पट्टी किया, ये अंगूठी 5 ग्राम का है, तो मैंने एक हाफ राउंड पट्टी किया और उसको 2.5 इंच करके काटा, एक माप के हिसाब से काटा, 17-18 इंच, 17-18 नंबर माप होगा उसके हिसाब से मैंने काटा था, मैंने 2.5 इंच काटा। ये हाफ राउंड पट्टी है, ये भी आप 20 गेज या 1 गेज तार से कर सकते हैं, 22 गेज तार से भी कर सकते हैं, अगर वजन हल्का हुआ तो 22 गेज तार से भी आप कर सकते हैं। तो मेरा वजन अंगूठी का वजन ज़्यादा था, 5 ग्राम का वजन ज़्यादा करने के लिए मैंने ज़्यादा तार यूज किया। हर बार इसको ऐसे हाफ राउंड गोल करना है, हाफ राउंड नीचे की तरफ रहेगा, प्लेन जो है ऊपर की तरफ रहेगा। फिर पट्टी को देखिए, जो ज्वाइन मुंह होने वाला है उसके ऊपर एक केरियम देना है, उसके ऊपर वापस और एक रिंग को रखना है, फिर दोनों रिंग को एक ही जगह पे ज्वाइन करना है, बस वही फेस जहाँ ज्वाइन मुंह है उसको थोड़ा वहाँ से ज्वाइन करना है। ये देखिए ज्वाइन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने तो आपको इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। फिर उसको रिंग नोट में डालना है और गोल कर लेना है दोनों तरफ से, एक बार निकल के दोनों तरफ से उसको गोल कर लेना है। फिर गोल हो गया, अभी जो पीस बनाया था उसके ऊपर थोड़ा सा एक साइड क्रीम लगा दिया, क्योंकि जो डांडी बनाया था ना अभी, ये डांडी ये फिटिंग होने वाला उसमें, ताको कैसे भी करके बिना हिले कैसे भी करके उधर उसको फिटिंग करना है।
दोनों तरफ से दिखे। ठीक से करना है, अगर सही नहीं हुआ तो वापस निकल के करना पड़ता है। तो ऐसे करके दोनों तरफ से लगाना पड़ेगा। तो इसे दोनों तरफ से लगा लिया मैंने, दोनों तरफ से पट्टी को लगा लिया थोड़ा थोड़ा करके। अब झापरा उठा था उसको थोड़ा फैलना है, थोड़ा खोलना है, ऐसा खोलना है, फिर अंदर से इसको लगाना बिठाना है। ये जो चौड़ा सांगूठी है इसका जो मैं बना रहा हूँ इसके लिए ऐसा ही सिस्टम है, ऐसा ही प्रोसेस है। तो देखिए इस तरह से पकड़ना है, फिर चिमटी से इस तरह से पकड़ना है चिमटी से, फिर इस तरह का पहले इस तरह ज्वाइन करना है, इस तरफ का ज्वाइन को ज्वाइन कर लेना है। ये अंगूठी इस तरह से बनता है जो मैं बना रहा हूँ। इसमें बहुत सारा वैराइटीज़ है लेकिन ये वाला ऐसे करेंगे, इस तरह भी जोड़ना है और उस तरफ भी फटाफट ऐसा सेम टू सेम जोड़ना है, जोड़ना है। दोस्तों दोनों तरफ से जोड़ना हो गया। अभी देखिए नीचे के साइड से इसको थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा। अभी क्योंकि रिंग थोड़ा ज़्यादा था तो निकालने में बॉर्डर मोड़ा था, थोड़ा हार्डी था। तो थोड़ा सा बाहर निकालने का डिज़ाइन है। तो बराबर फिटिंग सेटिंग बाहर करके दोनों तरफ से देख के गैप जो है सब बराबर देख के अभी वो हाफ जो रिंग था रिंग के साथ जो फ्रेम में मेन पीस जो है हेड पीस उसको ज्वाइन कर लेना है केडीएम से। फिर जो है इसको सुहागा बने लगाएंगे जहाँ भी थोड़ा केडीएम लगाना है। देखिए डांडी में पहले केडीएम ने लगाया था, डांडी और हेड पीस के जो बीच में उसको क्रीम ने लगाया था, तो उसमें उधर थोड़ा क्रीम लगाएंगे, पक्का करेंगे और ऊपर एक डाई होने वाला है। तो ये डाई ऊपर होने वाला है, इसके बाद जो बाकी का काम है एसिड करने के बाद पॉलिश करने के बाद इसको हैंड मशीन बड़ा हैंड मशीन पास होगा उसमें। तो मेरे पास मेरे हाथ पे जो था डिजाइनिंग एक ऊपर एक प्लेन ऐसा डाई बिठाना था, इसको पक्का करना था, उसके बाद इसको घिसना था पॉलिश कर एसिड करके जमा करना था। तो देखिए इस तरह से मैंने उसको डाई लगाया। अभी जो है यहाँ पे पक्का करना बाकी था तो यहाँ पे भी पक्का करना ज़रूरी है। तो पक्का होने के बाद उसको एसिड कर लिया, सॉरी एसिड नहीं किया, डांडी लगाना बाकी था। तो डांडी का ये डांडी जाड़ा है तो अगर चौड़ा कम हो जाए तो आप ज़्यादा डंडी रहेगा आपके पास, तो आप इसको थोड़ा पीट के भी चौड़ा कर सकते हैं ताकि डंडी के साथ बराबर इससे फिटिंग हो, क्योंकि डंडी ज़्यादा है पतला। अगर डंडी होगा तो आपको फिटिंग पहले से ही बराबर रखना पड़ेगा। फिर मैंने माप कर लिया, देखिए 15-16 नंबर का एक माप, आप एक 2-3 अंगूठी था तो उसके बाद मैंने माप कर लिया। अगर आपके पास बहुत सारा डंडी अंगूठी रहता है तो आप पहले एक डंडी का माप निकल लीजिए उस तरह से, उसके बाद वो माप के हिसाब से थोड़ा छोटा बड़ा 10-15 डंडी काट लीजिए, फिर हर एक अंगूठी को लगा दीजिए तो आपका माप छोटा बड़ा आराम से हो जाएगा। तो मैंने माप जो है 15 नंबर माप था, 2-15 और 1-17 मैं 3 अंगूठी बना रहा था। तो अभी देखिए ज्वाइन हो गया, इसको एसिड कर लिया, अभी इसको घिसना है, इसको केडीएम जहाँ जाए घिस के निकलना है केडीएम, थोड़ा फिनिशिंग देना है घिस के।
दोस्तों देखिए घिसना हो गया। अभी देखिए ये अंगूठी अभी पॉलिश के बाद भी देखिए कुछ इस तरह सा है। दोस्तों फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ।